हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ये अपने यूट्यूब चैनल ऑल अराउंड सपोर्टर पर। तो मैं आज आपके लिए अपडेट लेके आ गया हूँ साथियों। तो आज की अपडेट है कि DSSSB फायर ऑपरेटर एडमिट कार्ड 2019 हैं, जो पीईटी के लिए हैं, वो रिलीज होंगे। कब होंगे वो मेरे पास इस वीडियो के अंदर ऑफिशियली और फुल्ली डिटेल है, और आपका एग्ज़ाम डेट पीईटी का क्या है वो मैं आपको पूरा पूरा इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो साथियों, मैं शुरू करता हूँ बिना कुछ देरी किए हुए इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। DSSSB फायर ऑपरेटर एडमिट कार्ड 2019 जो दिल्ली सब कोऑर्डिनेट सर्विस के द्वारा फायर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी निकाली थी, उसके लिए जो पीईटी के एडमिट कार्ड है वो जारी होने वाले हैं साथियों। अभी वो डेट क्या है मैं आपको दिखाऊँगा, और एग्ज़ाम आपकी मैं फिक्स डेट बता रहा हूँ कि 6 जनवरी 2020 को आपका एग्ज़ाम्स पीईटी होने वाला है। पीईटी आपका होने वाला है फायर ऑपरेटर का, और एग्ज़ाम्स एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, हॉल टिकट नंबर, वो भी इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ आपको। तो शुरू करते हैं साथियों वीडियो। तो ये आपका जो वैकेंसी इन्होंने डाली थी, उनकी समरी है आपको मैं दिखा देता हूँ कि DSSSB का कंडक्टिंग एग्ज़ाम बोर्ड नेम ऑफ रिक्वायरमेंट फायर ऑपरेटर ओनली मेन रिक्वायरमेंट 2019, पोस्ट कोड और टोटल पोस्ट आपकी 606 पोस्ट थी। और जो आपका पीईटी डेट क्या है, तो पीईटी डेट आपकी है 6 जनवरी 2020, और फायर ऑपरेटर एडमिट कार्ड रिलीज डेट 2019 यानी इसी महीने। और मेरा ख्याल है कि इसी सप्ताह में ये एडमिट कार्ड आपके 100% आने वाले हैं। 2 या 4 दिन के अंदर कमिंग सून ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना के आपको दूंगा और सबसे पहले सूचित करूंगा। तो आपके दिसंबर में, मतलब ये लास्ट वीक चल रहा है, तो एडमिट कार्ड आएंगे, और 6 जनवरी को आपका पीईटी है साथियों। इस महीने की जो है आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली थी। और एडमिट कार्ड के बारे में, और इसी की ऑफिशियल वेबसाइट ये है DSSSB दिल्ली गवर्नमेंट। जैसे ही आएंगे तो इस वेबसाइट पर आएंगे, और कैसे डाउनलोड करने हैं वो सारे मैं इस एक वीडियो नया वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेशन। और आपको जैसे हॉल टिकट नंबर, जैसे एडमिट कार्ड होता है तो उस पर क्या देखना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। रोल नंबर, सेंटर नेम, टेस्ट नेम, एग्जामिनेशन नेम, वेन्यू डेट, रिपोर्टिंग टाइम्स, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, नेम ऑफ टेस्ट कैटेगरी, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, फोटोग्राफ, बर्थ ऑफ डेट, और जेंडर वगैरह आपको सब कुछ देख लेना है। और इम्पोर्टेंट आईडी प्रूफ आपको वहां पर क्या लेके जाना है पीईटी के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी आपके पास जो फोटो युक्त आईडी है वो आपको साथ लेके जानी है। और आपके पीईटी की डिटेल क्या है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप और रन करना होगा 800 मीटर का। तो साथियों, ये मेरी आज की वीडियो थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई है। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें कोई भी प्रॉब्लम हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत साथियों।